सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइज, आई होप आप सबके सब अच्छे होने वाले हो और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो गाइज, एक इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले मेरे साथ, तो मुझे लगा कि ये इंसिडेंट आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो गाइज, ऐसे ही भाग दौड़ में हमें नहीं पता हमारे कितने लोग आस पास चलते पागल बनाते हैं और जल्दी जल्दी में हम लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं। सो गाइज, ऐसे कुछ दिन पहले मैं अपनी पल्सर RS 200 लेके, अपनी बाइक लेके मैं गया था पेट्रोल पंप पे और फ्यूल अप करवाने के लिए गया था। तो गाइज, उस टाइम मैंने फ्यूल अप करवाने के लिए बोला था 200 रुपये कुछ आसपास का। तो उस बंदे को लगा शायद मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, उसने ध्यान नहीं करा और उसने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। और आप लोग भी अगर पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से वो लोग मैनिपुलेट कर देते हैं जब उन लोगों को चूना लगाना होता है। तो गाइज, ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए थी आप लोगों से, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली सही बताऊँ तो अभी मैं चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि यार एक चीज़ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। ये इंसिडेंट हुए हुए मतलब 5-6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरा कोई ऐसा कुछ मोटिव नहीं था कि इस वीडियो में डालूँ। सो गाइज, देखो बात 100-50 इसकी कोई नहीं होती, बात होती है खाली एक चोरी की। चोरी 1 रुपये की भी मानी जाती है। तो ऐसी एक हरकत मेरे साथ हुई थी कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पे, तो मुझे लगा आप लोगों से मैं शेयर कर दूँ एक बार। तो अगर आप लोग भी अगर जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे तो कभी ना कभी तो चूना खा के आए होंगे। कुछ को पता चल जाता है, कुछ को पता नहीं चलता। हो सकता है कि मुझे कितनी बार चूना लग चुका हो, बट इस बार ये चूना मेरी पकड़ में आ गया, तो मैंने उस बंदे को बख्शा नहीं बिल्कुल भी। तो फिलहाल आपको गाइस मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें आप चेक करना कि है दूसरा बंदा नशे में दिख रहा है। दूसरा बंदा नशे में दिख रहा है नहीं, फिर क्या कर रहा है? गलती तो करने वाले नहीं हो? क्या नाम है? दुष्यंत नाम। ऐसी हरकत तो नहीं करने वाले? कौन है मैनेजर तुम्हारा? मैंने सब ऐसी हरकत क्या कर रहे हो? तुम पागल समझ रहे हो दूसरे बंदे को? देखिए भाई, सर्विस कर रहा हूँ मेरी बैठ के। गलती से हो गया भाई। अरे तुम गलती करने वाले पंबले, सर्विस करोगे करवाओ, सर्विस कौन करेगा? बुलाइए जरा सर्विस वाला। कौन सा बुला सर्विस वाला? कौन सा बंदे ने इतनी देर में ना अपनी बाजी खेल दी। इसने जस्ट क्या करा कि पेट्रोल फिल करने के बाद ही मुझे बोला कि बाइक अपनी आगे करो। आगे करते ही इसने नेक्स्ट 10 मिनट से ये पूछा कि आप अपनी बाइक की सर्विस यहाँ क्यों नहीं करवाते? आप सर्विस यहाँ कराया करो और हमारे यहाँ सर्विस फ्री चल रही है। जस्ट इतने ही इसने लाइन बोलते बोलते अपने मुँह से अपनी पेटीएम मशीन के अंदर 310 रुपये फिल कर दी और मशीन मेरे आगे कर दी। और गाइस, मेरा भी ध्यान इसकी बातों में था, करते करते मैंने भी 310 रुपये का स्कैन कर लिया। जब UPI पिन डालने का नंबर आया तो तभी गाइस मुझे याद आया कि इस पेट्रोल पंप पे पहले भी एक दो बार मैंने सर्विस के लिए पूछा था अपनी RS 200 का, बट मुझे वहाँ बोला कि इस बाइक की सर्विस यहाँ नहीं होती, छोटी मोटी बाइकों की सर्विस होती है। और साथ में ये मेरे ध्यान आया कि यहाँ पे तो एक्चुअली मैंने भी 210 रुपये का फ्यूल अप कराया है और 310 रुपये किस चीज़ की कर रहा है मेरे से? तो गाइस, ये कुछ सेकेंड्स के अंदर ही इन्होंने दिमाग से ऐसी कुछ बात कर दी कि हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए और मैं जस्ट अपने UPI पिन डालने ही वाला था। अगला बंदा ने क्या बोला कि सॉरी गलती होगी, इसके बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता, बट ये यहाँ पे गेम खेल रहा था। बोला इस टाइम है सर्विस वाला, बुला ना सर्विस वाला। कौन सा है? चूतिया से मर रहे दूसरे इंसान को कुछ पता नहीं है? सारी हरकतें पता है टू जेड यहाँ की। क्या कर रहा है? 310 रुपये कैसे गिर रहा है इसमें? 310 नहीं, 210 का गिर रहा है इसमें, 310 रुपये भर रहा है। 200 का डाल दिया पेट्रोल, भर दिया 210 का। सर कह रहा सर्विस करवा लो, पागल बना रहा बातों में लगा के मुझे। 210 की करिए, डाल दोबारा डाल दिया मैं। वो भी गेरा नहीं गेरा, वो तो गेर दिया ना। ना मुझे ना गिरवाना छोड़, इसका जो करना है 210 का गिरवा दिया मैंने। लेकिन ये हरकतें मुझे पता है, ये करते हैं इंडियन ऑयल पे। सर्विस कर देगा कौन सा सर्विस वाला? बुला चल सर्विस वाला। कौन सा बुला? चल चल उसे बुला। इतनी देर में क्या हुआ कि इसका मैनेजर यहाँ पे आ गया एंड देन उसने मेरे से आके बातचीत करी कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा, क्या नहीं चल रहा। एंड गाइस देखो, अभी इसने क्या बोला कि यहाँ पे अभी सर्विस वाला अवेलेबल नहीं है, मतलब सर्विस वाला जा चुका है और उसके बाद ही मुझे बोल रहा है कि अपनी बाइक यहाँ सर्विस करा लो। भाई क्यों, किस लिए? सर्विस वाला जा चुका है तो मेरे से इस चीज़ के बारे में क्यों बोल रहा है? दूसरी चीज़ है, उसका मैनेजर भी इसको बोल रहा है कि इस बाइक की सर्विस स्टेशन पर हो ही नहीं सकती, तो उसके बाद ही रिकमेंडेशन क्यों कर रहा है कस्टमर को कि यहाँ आके सर्विस कराओ? बस वही रीज़न था कि इसने दिमाग इतने सेकंड से मैनिपुलेट करना था और इसने 100 रुपये का चूना मुझे लगाना था। भाई वो बात नहीं है, कह रहा सर्विस करवा लो। एक होता है ना दिमाग, दिमाग मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट कर रहा दिमाग को। क्या नाम क्या है इसका? नाम तो सही बता रहे, दिमाग ना मैनिपुलेट कर रहा है कि बंदे का दिमाग कहीं और रहेगा, 310 भरेगा और चुप निकल लेगा। ना ना मुझे ना करवाना, मेरा पेट्रोल मेरा ओके है। 210 का भी कह रहा ना, कह रहा ये वही काटा मार दिया, गलत हंस गया। चाचा ध्यान लगी, सर्विस तुम्हारी हो जाएगी।
इस वीडियो में बस इतना ही था, मैंने भी कुछ ज़्यादा आगे सीन क्रिएट नहीं करा और इस मैटर को यहीं क्लोज कर दिया। बस ये एक अवेयरनेस के लिए था। बाकी टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।